मत्ती 15 अध्याय 29 से लेकर 31 तक वचनों को पढ़ेंगे। यीशु वहां से कलिल की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वह अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, डूंटों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाँव पर ढाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और डूंटे चंगे होते और लंगड़े चलते और आंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इसराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। आज हम यहाँ वचन देखते हैं। यीशु के पास बहुत लोग आए थे। उनके साथ वो लोग अलग अलग रोगी को भी अपने साथ लेकर आए थे, लंगड़े, अंधे और दुष्ट आत्मा से पीड़ित हुए लोग, बोल नहीं पाते हैं, ये सब अलग अलग बीमारी वालों को यीशु के पास लेके आए थे। तब यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया है करके हमने यहाँ देख रहे हैं। हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें अनंत जीवन देने वाला है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी रोग हो सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है, आज आप यीशु के पास आप आए हैं, जरूर आप चंगाई पाएंगे। हमको आज यीशु के पास आना है, क्योंकि एक एक बीमारी का पीछे दुष्ट आत्मा का प्रभाव होता है। पाप का द्वारा मृत्यु प्रवेश हुआ है, तब पाप के द्वारा भी बीमारी आता है। आज इसमें से छुड़ाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, केवल यीशु के पास ही अधिकार है। आज आपका पाप से, आपका अधर्मों से, आपका बीमारियों से छुड़ाने का अधिकार यीशु के पास है। जो भी आज दुख में आप हो सकते हैं, जो बीमारी में हो सकते हैं, कितने बड़ा बीमारी भी होगा, छोटा बीमारी भी हो, आपका शरीर में कुछ भी तकलीफ हो सकता है, आज आप अपना समस्या को आप यीशु के पाँव पर रखिए। यहाँ हम देखते हैं सब लोग उनके पाँव पर सारे बीमारियों को रखा है करके, बीमारी लोगों को लेके आया, उनके पाँव पर रखा है, उनके पाँव का नीचे आप रखिए। कोई भी बीमारी, कितना बड़ा बीमारी का नाम भी हो सकता है, छोटा बीमारी भी हो सकता है, लेकिन यीशु का नाम के सामने सब कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। आज हम दुनिया में कोई भी हम सुन रहे हैं नाम, कोरोना है, शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो तकलीफ है, ये बीमारी, अलग 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 कितने तरह तरह का बीमारी बोल रहे हैं, और भी नया नया बीमारी रोज जन्म होते रहता है, लेकिन हमको डरना नहीं, क्योंकि हम सब छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ कर चुका है। क्या कर चुका है? हमारा सारा दुखों को, सारा बीमारियों को, सारा दर्द को, सारा अधर्मों को यीशु मसीह अपने देग पर उठा लिया, सारा रोग को चंगा कर दिया। आज इसको आज हमको विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है करके। केवल इंसान रोटी के द्वारा नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन के द्वारा भी जीवित रहेगा। प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन को लेके आता है, चंगाई को लेके आता है, छुटकारा को लेके आता है, हमारा बंधन को वो तोड़ता है। आज आपका जीवन में देखिए प्रभु आपके लिए क्या क्या कर चुका है, उसको हम देखने का समय हम जरूर छुटकारा पाएंगे। लेकिन आज क्या करता है शैतान? प्रभु के बच्चे लोगों को इस आशीष को, ये दैविक चंगाई, बच्चे के रोटी है, इसको वो खाने नहीं दे रहा है, उसको ऐसे ही लोगों को भूखा छोड़ कर रखा है, उसको अपने बुराई से लोगों को भर कर रखा है।
लेकिन बाइबल का वचन क्या करता है, प्रभु किसी को भी अन्याय नहीं करता है, किसी को भी वो बुराई नहीं करता है, किसी को भी शांति को वो नहीं चोरी करता है। लेकिन चोर कौन है? शैतान है। वो क्या करता है? वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। वो क्या करेगा? आपका चंगाई को चोरी करता है, आपका पैसा को चोरी करता है, आपका शांति को चोरी करता है, आपका घर में आनंद को वो चोरी कर देता है, पूरा बिगाड़ देता है, आपका बल को चोरी कर आपको निर्बल बना देता है। लेकिन आज आपका यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, वो भी बहुदायत का जीवन देने के लिए आया है। इसको आज आप विश्वास कीजिए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु है, आज भी उसका सामर्थ कार्य कर रहा है। इस अध्याय में हम देख रहे हैं, यीशु मसीह आया, स्वर्ग का राज्य के बारे में प्रचार किया, लोगों को चंगाई किया, दुष्ट आत्मा को भगाया, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया करके हमने यहाँ देख रहे हैं। आज भी यीशु जिंदा है, आज भी यीशु मृत्यु के ऊपर जाय पाया, शैतान के ऊपर जाय पाया, पादाल के ऊपर जाय पाया, कोई भी उसको बंद नहीं कर पाया, आज जाय पाया, आज जाय का ध्वनि सुनाया। आज क्रूस पर यीशु मसीह हम देख रहे हैं, सब कुछ कर चुका है, सब कुछ पूरा हो गया है करके जय जयकार का ध्वनि सुनाया। आज हम इसको विश्वास करना है, आज प्रभु हमारा सारा दुखों को बीमारियों को उठा लिया। लेकिन आज शैतान ऐसे ही लोगों को क्या करके रखा है, झूठ बोल के रखा है, तुम परमेश्वर ने तुमको इतना बड़ा बीमारी दे दिया, तुम्हें इतना कमज़ोर कर दिया, दूसरे को देखो, उनको देखो, इनको देखो, ऐसे ही निराश में आपको गिरा देता है। झूठ का वो हथियार को अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनके पास झूठी है, वो झूठ का पिता है करके लिखा है, उसके पास सच्चाई है ही नहीं। लेकिन हम सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज हमको सच्चाई को जानना है, हमारा मन के आँख प्रकाशित होना है, हमारे लिए क्या क्या परमेश्वर ने कर चुका है, दैविक चंगाई आज किसका है, आज हमको इसको जानना है। यीशु मसीह के बारे में अभी आप देखिए प्रेरितों को काम 10 का 38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथी था। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, पवित्र आत्मा का सामर्थ से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से यीशु मसीह भरा हुआ था, इसलिए लोगों को भलाई करते रहा, लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिया, अशुद्ध आत्मा को भगाया, यही प्रभु यीशु मसीह का काम था। लेकिन लोग आज प्रभु के बच्चे लोग, प्रभु से खरीदे हुए लोग, उनके लघु से खरीदे हुए लोग आज बीमारी में, दुख में, दुष्ट आत्मा के बंधन में हम रहना नहीं चाहिए। शैतान ऐसे ही झूठ का हथियार को हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है, प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपको बुराई करता है, लेकिन ये सब झूठ है। लेकिन आज हमको क्या करना चाहिए? आपको यही कहना है, प्रभु यीशु मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरा सारा अधर्मों को, पापों को वो क्षमा कर दिया, मेरा सारा बीमारियों को चंगा कर दिया, क्रूस पर सब कुछ हो गया है, मुझे छुटकारा दे दिया। आप ऐसे ही कहने से परमेश्वर के आधीन में रहते हुए अब शैतान को सामना कीजिए, वो भागेगा, उसके हथियार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम उसको मानने लगेंगे, उसको बारे में हम सोचने लगेंगे, हमारे अंदर वो बीमारी को रख कर चला जाता है, उसका बंधन वो बांध लेता है, फिर वो खींचते रहता है, खड़वावट ये भी है, परमेश्वर के ऊपर नफरत को लेके आएगा, फिर अपने पर प्रभु के बच्चे लोगों के ऊपर नफरत को लेके आएगा, वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसे, मरा हुआ बातों को याद कराएगा। फिर दुनिया में जो जो हो रहा है बीमारी, जो अलग अलग नया नया बीमारी के बारे में आपको मन में वो याद, वैसे ही बारे उसके बारे में वो आपको सोचने के लिए याद दिलाते रहेगा, उसके ऊपर आप जा ही पाना है, वो सब वो आपके अंदर घुसने का वो मौका ढूंढता है,
लेकिन हम उसके बारे में हम ध्यान करने लगेंगे, हम उसके बारे में ज़्यादा बोलने लगेंगे, ऐसे करने लगेंगे, तब वो आराम से वो हमको वो कब्ज़ा कर लेता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उसको खमीर को हम खाना नहीं है, वो खमीर का रोटी वो हमको देता है, उसी में से बीमारी आता है, उसी में से दुख आता है, वेदना आता है, उपद्रव क्लेश को लेके आता है, यही उनके पास है, इसलिए ऐसे ऐसे रोटी को खिलाएगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह जीवन की रोटी है, उनको हम ध्यान करना चाहिए, उनको मृत्यु को हम याद करने से हमें जीवन मिलती है, उनको लघु को हम बार बार याद करते रहना है, वो हमारा पाप शुद्ध होते रहेगा, हमारा विचार शुद्ध होते रहेगा। यीशु मसीह का लघु सारा पापों को सारा अधर्मों को क्षमा करता है, हमें हिम्मत दिलाता है, परमेश्वर का राज्य में हमें मिला हुआ आशीष को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए वो हमें हिम्मत देता है। इसलिए हम बार बार उसी को ही हम याद करना है, जैसे मरा हुआ बातों को, ऐसे ही कड़वी बातों को आप उठाकर आज फेंकिए, ये सारा कचरा को आपका मन में भरते हुए शैतान के लिए जगह मत दीजिए। शैतान ऐसे ही हमारा मन के अंदर घुसता है, वो राज्य करता है, फिर पूरा शरीर को नुकसान करता है, आपका मन को, आपका आंख को, आपका पेट को, आपको हाथ पाँव को, सबको नुकसान कमज़ोर कराता है। लेकिन यीशु मसीह आपको बल बल देता है, उनका वचन आपको सामर्थ्य को लेके आता है, पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ छुटकारा है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ रोना नहीं है, वहाँ गुड़गुड़ावट नहीं है। आज वही पवित्र आत्मा का मंदिर है आपके शरीर, आज इस शरीर में पवित्र आत्मा चलने फिरने के लिए आप जगह दीजिए, पवित्र आत्मा चलते फिरते रहेगा, आपके अंदर ज्योति चमकते रहेगा, आपका मुंह में वो रोशनी, आपके मन में रोशनी, आपके बातचीतों में रोशनी, सब रोशनी, ज्योति का राज्य का संतान बन गए आप, वही प्रकट होगा आपके मुंह से, जो भी शब्द निकलता है वो आपको भी चंगाई करेगा, वो दूसरे को भी चंगाई करेगा, वो आपका बंधन को भी खोलेगा, दूसरे का बंधन को भी खोलता है। इसलिए आप हमेशा पवित्र आत्मा का भरपूरी से भरे रहना है, ऐसे हम भरे रहेंगे तब छुटकारा हमारे पास जो भी लोग आएंगे वो लोग छुटकारा पाएंगे। जैसा हम देख रहे हैं यीशु मसीह का चेले लोग, वो लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर गया, पतरस यूहन्ना ये लोग सब ऐसे गली पर जा रहे थे, तब पूरा बीमारी वाला को ऐसे रोड पर बिछा रहे थे, रख रहे, क्यों, उनका छाया उनके ऊपर लगेगा तो भी उनका बीमारी चंगा होगा करके। देखिए परमेश्वर का अद्भुत काम ऐसे ही प्रकट होता है, प्रभु का वचन में जीवन है, पवित्र आत्मा का भरपूरी में भरे रहने से लोग चंगाई होंगे। वैसे आज यीशु का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है, उसी नाम का नीचे सारा नाम है, बुखार हो, जो भी बीमारी का नाम हो, दुष्ट आत्मा, सब उनका नाम का नीचे। इसलिए हम आज डरना नहीं, आज आपको सामर्थ नाम यीशु को नाम को देखिए, आपका बीमारी सब उनका उसी नाम से, नाम के सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ये सब बड़ा पहाड़ के समान छोटा सा पत्थर को रखकर आप खड़े रहिए, कौन सा बड़ा है, ऐसे बड़ा चट्टान है यीशु मसीह, छोटा पत्थर से भी ऐसी छोटा छोटा ही धूल के समान है आपका बीमारी, आपका समस्या है। लेकिन आज उसका बड़ा वो दिखाता है, शैतान बड़ा दिखाता है, देखा तुम्हारा समस्या कितना बड़ा है, तुम्हारा समस्या ऐसा है, लेकिन हमारा समस्या ऐसा ही है, हम ये नहीं, प्रभु उसको तुच्छ नहीं जानते हैं, हमारा समस्या को हमारा, जैसा भजन संहिता में एक वचन है, हमको ऐसा लगता है कभी कभी हमारा दुख बहुत बड़ा है, हमारा समस्या बहुत बड़ा है, ऐसा करके हम सोचते हैं। लेकिन लोग आपको दुख को, आपका समस्या को तुच्छ जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर देखिए भजन संहिता 22:24 में, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जानता और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली करके, यहाँ हमने देख रहे प्रभु आपका दुख को वो सुनता है, आपका जो भी समस्या है, जो भी दुख है, प्रभु आपको सुनता है, आपको उसमें से छुड़ाता है। आज आपको
यीशु के पास आपका अपना समस्या को बताइए, उनका पैर का नीचे रखिए, आप उठाकर मत घूमिए, अपना बोझ को यीशु के ऊपर डालिए। आप जो भी संकट में, जो भी मुसीबत में, आज जो भी समस्या में आज आप जा रहे होंगे, दुष्ट आत्मा का बंधन में आज आप पीड़ित है, नहीं तो आप कुछ शरीर का कमजोरी में, डॉक्टर से आज छोड़ दिया हुआ अवस्था में आज आप हो सकते हैं, लेकिन आज आपको यही है, प्रभु के पास आपका बोझ को रखिए। यीशु के नाम के सामने सब कुछ भी नहीं है, पहाड़ भी कितना बड़ा, कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, आज ये सब पिघल जाएगा। प्रभु का उपस्थित के सामने पहाड़ भी मोमबत्ती के समान पिघल जाएगा, ऐसे बर्फ के समान पिघल जाएगा। आज परमेश्वर का सामर्थ्य इतना बड़ा है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य आज कार्य कर रहा है। आज आपको उसी को ही देखना है, लोगों के पास जाकर आप अपना समस्या को बताकर समय को व्यर्थ मत कीजिए, प्रभु यीशु के पास आइए। उनका मुंह देखने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे, प्रकाशित होंगे, क्योंकि प्रभु आपको तुच्छ नहीं जानता, वो आपको छुड़ाता है। यीशु मसीह आपको छुड़ा कर, ऐसे आपको छोड़ा नहीं, आज आप कहाँ पर है पता है, इफेसियों 2:6 में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अभी हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, मसीह यीशु में आज हमने छुटकारा पा लिया है। आज आपका जो भी अधर्म, जो भी पाप, जो भी आपका जीवन में आप किए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के लहू से सब कुछ शुद्ध हो गया है। अभी हम छुटकारा पा लिया है, अभी हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, मसीह के साथ हम बिठाया गया है करके हम देख रहे हैं। तब मसीह का नीचे सब कुछ है, उनके पाँव तले कर दिया करके हम देख रहे हैं, सारा बीमारी, सारा अधिकार, सारा सब कुछ, सब बात आज यीशु मसीह का पाँव का नीचे है। इसलिए आज आपका समस्या भी आपको यही देखना है, प्रभु यीशु का पाँव का, पैर का नीचे है। मैं भी मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ, तो अभी मेरा सारा समस्या मेरा पैर का नीचे है, इसलिए मैं भी आज उसको उठाकर फेंकूंगी करके आपको मन से आज इसको उठाकर फेंक दीजिए। आपको उठाकर समस्या को, बीमारियों को आप अपने ऊपर नहीं रखना है, अब भी आप उसको नफरत कीजिए, उसको बोलते रहिए, मैं छुटकारा पाया हूँ, यीशु के नाम से मुझे छुटकारा मिल गया है, यीशु का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है, यीशु मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसे शैतान को, झूठों को पवित्र वचन से उसको हम जाई पाना है। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर चुका है, उसका कोड़े खाने से मैं चंगाई हो चुकी हूँ करके अपना आँख को हम ऐसे विश्वास के वचन के द्वारा हमको लेना चाहिए। यही हमारा दवा है, यही विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। लेकिन आज झूठों को मानते मानते रहेंगे, वो हमें बंद करता है, वो हमें कैद करता है, लेकिन आज हम इसमें से जाई पाना है, आज हमको उठना है। जैसा पत्रस योहना ने कहा, लंगड़े को देखकर, यीशु के नाम से तुम उठकर खड़े हो जा, तुरंत उसका जो भी लंगड़ापन से वो छुटकारा पाया, वो कूदने लगा, दौड़ने लगा। जैसा यशायाह में एक वचन है, वो लंगड़े लोग हिरनी के समान वो लोग कूदेंगे दौड़ेंगे करके वचन लिखा है, प्रभु यही काम करेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य आज भी ऐसा है। आज आप सोच रहे हो मेरे लिए कितने कष्ट में उठा रहे हो, मुझे हमेशा दूसरे को सहारा मुझे लेना पड़ता है, अकेला आप काम कर नहीं पा रहे हो, आपका काम के लिए एक दो लोगों को मदद आपको जरूरत पड़ता है, आप निराश में हो, आज आपको दुख को परमेश्वर जानते हैं, वो आपको तुच्छ नहीं जानते हैं। आज आप उठ जाइए, जहाँ आप गिरे हुए अवस्था में है, यीशु के नाम से आज आप उठकर चलना है, दौड़ना है। आज इस श्राप का सामर्थ्य आपके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य आज आपके अंदर कार्य करने के लिए आप जगह दीजिए। जैसा हम देख रहे हैं, यीशु मसीह मरा, वहाँ पुनरुत्थान हुआ, तब कोई भी मृत्यु, कोई भी पादाल, कोई भी शैतान उसको बंद नहीं कर पाया, सब देखते रहा। प्रभु यीशु
पहला आकाश से दूसरा आकाश से वो अपने स्वर्ग राज्य में पहुंच गया। कोई भी उसको कुछ नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आज भी वो जीवित है। पुनर्थान के सामर्थ आज आपको जीवन में आपके शरीर में कार्य करने के लिए आप जगा दीजिए। आपका शरीर को भी अधर्म के हथियार नहीं, धार्मिकता का हथियार के लिए सौंप दीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु आपको चंगाई से भरेगा, अपने भलाई से भरेगा, अपने आपके मुंह को उनके भलाई से तृप्त करेगा। हमेशा आपके मुंह से प्रभु का स्तुति गीत आते रहे। वो परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का प्रेम को आप विवरण से बताइए। शैतान का बीमारी को, उनका बातों को आप अपने मुंह से बोलते हुए उनको महिमा करते हुए नहीं रहना है। संकट का समय तू मुझे पुकारो, मैं तुझे सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके परमेश्वर ने कहा है। प्रभु को हम महिमा करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद गीत गाना है। आज आपको समस्या को लेकर अब इधर उधर दौड़ने से, लोगों के पास जाने से, अब यीशु के पास आइए। यीशु भलाई करता है, यीशु भलाई कर कर आपको आजाद करता है। लेकिन लोग आपको भलाई कर 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 पीछे ऊक डालता है, आपको कहीं ना कहीं उनके वश में वो पकड़ता है। लेकिन मेरा यीशु मसीह वो आजाद करता है। वो आपको उनका प्रेम से, उनका अनुग्रह से आपको घेर रखा है, उनके वचन से आपको घेर रखा है। इसलिए आज प्रभु के पास आप आपका सब बातों को, आज सब समस्या को उनके पाँव पर रखिए। कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु सब में आपको चंगाई देने वाला है, सब में आपका मन में छुटकारा देने वाला है। आपके मन की बीमारी होगा, आपके शरीर की बीमारी होगा, आपके परिवार में कुछ पीढ़ी पीढ़ी का श्राप हो सकता है, सब बीमारियों से यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, छुड़ाने वाला है। आज उसका वचन को भेज कर उसको चंगाई करता है। आज बहुत लोग प्रभु का वचन को तुच्छ जानते हैं। लोग सोच रहे हैं मुझे केवल चंगाई चाहिए, केवल मुझे चंगाई चाहिए। लेकिन प्रभु को, यीशु मसीह के बारे में देखिए, स्वर्ग का राज्य को प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया करके हम देख रहे हैं। क्योंकि ये स्वर्ग का राज्य का प्रचार के अंदर जीवन है। आज इस जीवन को आप लोग स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, चंगाई पाइए, भली चंगाई से रहिए। प्रभु आपको भली चंगाई से, भलाई से तृप्त करने वाले, चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु, आज इस वचन को सुनने वाला हमारा भाई बहन कोई भी बीमारी में, कोई भी समस्या में हो सकता है, आज उसको छुटकारा, आज आप उनको छुड़ाइए प्रभु। उसका शरीर में, स्किन में, उसका मन में, जो भी उसके परिवार में समस्या हो सकता है, सब पिघल जाए, सब में से आज छुटकारा प्रभु। उन लोग उठकर चलने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए। उसका शरीर में नया नया काम कीजिए। उसका अंग में जो भी समस्या हो सकता है, आज सब नया हो जाए, आज सब नया हो जाए प्रभु। चंगाई का नदी हर एक का घर में, इस वचन को सुनने वाला सबके जीवन में, सबके प्रभु मन में वो प्रकट हो जाए, चंगाई हो जाए। सारे दुष्ट आत्मा का बंधन से छुटकारा को कोशना करती हूँ। सब जीवन को बोलती हूँ प्रभु, सबके ऊपर जीवन को बोलती हूँ प्रभु। सारा मृत्यु का बंधन, पाताल का बंधन सब टूट जाए प्रभु। सारा बीमारी का जड़ सूख जाए यीशु के नाम से। चंगाई चंगाई, छुटकारा छुटकारा, भरपूरी से आप भर दीजिए, भलाई से तृप्ति कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमेन।